हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने प्लांट वायरस वेक्टर वाला एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अपन ने देखा था कि ऐसे कौन कौन से वायरस हैं जिनकी हेल्प से अपन प्लांट सेल के अंदर डिजायर्ड जीन या डीएनए फ्रैगमेंट जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी ऐसे कौन कौन से वायरस हैं जिनको अपन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एज ए वैक्टर के रूप में यूज में लेते हैं। तो कौन कौन से अपन ने वायरस किए थे, मेन फोर वायरस के बारे में स्टडी की थी अपन ने, कौन कौन से चार वायरस हैं जिनको वेक्टर के रूप में यूज में लेते हैं और प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करने में काम में लेते हैं। तो इनमें चार वायरस मैंने अपन किए थे। एक तो किया था कोलीफ्लावर मोजेक वायरस, जो कोलिमो वायरस ग्रुप से रिलेटेड है, कोलीफ्लावर मोजेक वायरस। सेकेंड अपन ने किया था जेमिनी वायरस। थर्ड अपन ने किया था टोबेको मोजेक वायरस, जिसको अपन TMV भी कहते हैं। और फोर्थ अपन ने किया था ब्रोम मोजेक वायरस, जिसको BMV भी कहते हैं। ये चार ऐसे वायरस हैं जिनको प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफर करने में काम में लेते हैं। इस टाइप से अपना जीन ट्रांसफर करने वाला मेन टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टार्टिंग से अपना चल रहा था जीन ट्रांसफर मेथड्स इन प्लांट्स, यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए, जीन ट्रांसफर करने के लिए अपने पास कौन कौन से मेथड्स हैं, मेन टॉपिक अपना ये चल रहा था। जिसमें अपने पास मेनली दो मेथड्स थे, एक तो मेथड जो था उसका नाम था डायरेक्ट या वेक्टर लेस मेथड, और दूसरा था इनडायरेक्ट या वेक्टर मीडिएटेड मेथड। वेक्टर लेस या डायरेक्ट मेथड अपन ने बहुत पहले ही कर लिया था, जिसमें अपन ने बिना वेक्टर के डायरेक्ट ही जीन को प्लांट सेल के अंदर कैसे ट्रांसफर किया जाता है उसके बारे में स्टडी कर ली थी। और उसके बाद में वेक्टर मीडिएटेड या इनडायरेक्ट मेथड किया था, जिसमें अपन ने कौन कौन से वेक्टर की हेल्प से प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करने हैं, इनमें अपन ने दो टाइप्स के वेक्टर के बारे में स्टडी की थी, एक तो प्लाज्मिड वेक्टर और एक वायरस वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर में अपन ने स्टडी की थी TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड, जो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से रिलेटेड थे। बड़ा क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड जीन ट्रांसफर मेथड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैक्सिमम प्लांट्स में जीन ट्रांसफर एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड किया जाता है। उसके बाद में अपन ने जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने किया था वायरस वैक्टर, यानी कौन कौन से वायरस जिनको वैक्टर के रूप में यूज में लेकर अपन प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करते हैं। इस टाइप से अपना जीन ट्रांसफर वाला टॉपिक अप्रोक्सीमेटली पूरा खत्म हो चुका था। छोटे छोटे दो तीन कंटेंट और हैं इस जीन ट्रांसफर से रिलेटेड ही, वो आज अपन पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन CDNA लाइब्रेरी वाला एक नेक्स्ट वीडियो लेंगे। तो जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के अंदर ही एक छोटा सा अलग से एक टॉपिक, दो छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं अपने सिलेबस के अंदर, जिसमें पहला है अपना आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। देखो, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी एक वेक्टर ही है जिनको प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करने के अंदर काम में लिया जाता है, बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल रूप से क्रोमोसोम्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से वेक्टर्स हैं, पहले तो इनके एग्जांपल्स ध्यान में रख ले अपन। आर्टिफिशियल वेक्टर्स या आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कौन कौन से हैं, सबसे पहला अपना दिया हुआ है सिलेबस के अंदर एग्जाम्पल जो है वो दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और सेकंड जो है वो है अपना बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को शॉर्ट में अपन YAC एस लगा देते हैं, थोड़ा सा प्लूरल हो जाएगा, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स कह सकते हैं, और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। बाघ, याक और बाघ। इसके अलावा एक और होता है जो अपने सिलेबस में नहीं है, मगर एक और होता है मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम MAC यानी माक, मगर अपने सिलेबस में दो दिए हुए हैं, याक और बाघ। ये दो ऐसे आर्टिफिशियली क्रोमोसोम्स हैं जिनको एज ए वेक्टर के रूप में काम में लिया जाता है। अब क्यों जरूरत पड़ी, यानी इन वेक्टरों की क्यों जरूरत पड़ी है प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करने की, अच्छी बात ये है। तो देखो, अपन प्लाज्मिड के थ्रू, अपन वायरस के थ्रू भी जीन ट्रांसफर प्लांट्स में कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को बनाने की साइंटिस्ट को क्यों जरूरत पड़ी है, देखो प्लाज्मिड वेक्टर जो होते हैं और वायरस वेक्टर जो होते हैं उसमें एक लिमिटेड साइज के डिजायर्ड जीन को अपन जोड़ सकते हैं, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं और फिर अपन उसको ट्रांसफर कर सकते हैं प्लांट सेल में, यानी एक लिमिटेड साइज ही अपन जीन की ले सकते हैं। अगर अपने पास कोई लंबा DNA फ्रेगमेंट हो गया या लॉन्ग जीन हो गया, उसको अपन प्लाज्मिड या वायरस के थ्रू जीन ट्रांसफर नहीं कर सकते प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लाज्मिड और वायरस जो होते हैं, खुद का DNA भी बहुत छोटा सा होता है, तो उसके अंदर किसी फॉरेन
जीन को इंसर्ट करने के लिए प्लेस या साइट जगह जो होती है वो भी छोटी सी होती है, तो स्मॉल साइज के जीन ट्रांसफर करने के लिए अपन प्लाज्मिड और वायरस को काम में ले सकते हैं। अगर अपने पास कोई लॉन्ग डीएनए है, अपने पास जो डिजायर्ड जीन की अगर साइज लंबी है, तब अपन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को यूज में लेते हैं। तो लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए अपन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को यूज में लेते हैं। बस इतनी सी चार लाइन अपने सिलेबस में इसके बारे में दी हुई है। इसके बाद में एक टॉपिक और है छोटा सा जो इससे रिलेटेड है, वो है अपना एग्रो इन्फेक्शन। अच्छा टॉपिक है ये एग्रो इन्फेक्शन। व्हाट इज एग्रो इन्फेक्शन? देखो एग्रो वर्ड वही एग्रो बैक्टीरियम, बैक्टीरिया से रिलेटेड है, इन्फेक्शन का मतलब आप जानते ही हो, तो दोनों वर्डों को मिला दिया तो क्या हो गया ये, यानी ये क्या है एग्रो, व्हाट इज एग्रो इन्फेक्शन, ये अगर छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले तो। देखो वायरस अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, उनमें एक जमीनी वायरस पढ़ा था अपन ने, जमीनी वायरस। देखो वायरस के थ्रू जीन ट्रांसफर कैसे होता है, वायरस के डीएनए के साथ में अपन ने डिजायर्ड डीएनए को जोड़ दिया और फिर उस वायरस का इन्फेक्शन करवाया प्लांट सेल से। जब वो प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगा तो अपने डीएनए को उसमें इंसर्ट करेगा, तो अपना डीएनए जब उसमें ट्रांसफर करेगा तो अपना जो डिजायर्ड डीएनए है वो भी तो उसमें चला गया, ऐसे ही तो डीएनए ट्रांसफर होता था। मगर कुछ वायरस ऐसे होते हैं लाइक दैट जमीनी वायरस, उनका प्लांट्स में इन्फेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, प्लांट्स के अंदर डायरेक्ट इन्फेक्ट नहीं कर पाते वो, उनका इन्फेक्शन करने के लिए कुछ कैरियर होते हैं यानी कुछ मीडिएटर होते हैं। पहले वायरस उन मीडिएटर के अंदर जाएंगे, फिर वो मीडिएटर प्लांट के अंदर जाएंगे, ऐसे मीडिएटर होते हैं इंसेक्ट है। यानी जमीनी वायरस का इन्फेक्शन प्लांट्स के अंदर इंसेक्ट के थ्रू होता है, यानी इंसेक्ट इन वायरस का इन्फेक्शन कराने के लिए कैरियर या मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं, डायरेक्ट प्लांट सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाते जमीनी वायरस। तब अपन कैसे इनको वेक्टर के रूप में यूज में ले सकते हैं, भाई वेक्टर तो तब काम में आएगा जब इनके साथ में जमीनी वायरस के डीएनए के साथ में अपन ने डिजायर्ड जीन जोड़ दिया, अब ये डायरेक्टली प्लांट सेल को इन्फेक्ट कर रहा है तब तो ठीक है। मगर इसका इन्फेक्शन कराने के लिए पहले इंसेक्ट में जाएगा, यानी इंसेक्ट से इन्फेक्शन होगा तब ये प्लांट बायोटेक के अंदर काम में आने वाला वायरस ही नहीं है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जो जमीनी वायरस फैमिली के जितने भी वायरस हैं उन वायरस को वेक्टर के रूप में यूज में लेने के लिए क्या किया जाता है कि इनके डीएनए को बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाल करके इन वायरस के डीएनए को बाहर निकाल करके इसके साथ में अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है वो जोड़ दिया जाता है। अब ये जो डीएनए है ना, ये कंप्लीट डीएनए जो इस वायरस का डीएनए है, इस डीएनए को क्या किया जाता है, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो टीआई प्लाज्मिड वाला डीएनए पाया जाता है, उस टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाला जाता है और इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर टीडीएनए की जगह पर ट्रांसफर डीएनए, जो टीडीएनए पड़ा था ना पन्ने पहले, इस टीडीएनए को तो बाहर निकाल दिया जाता है, इसकी जगह पर जो वायरल डीएनए है ना, जमीनी वायरस वाला डीएनए जिसके साथ में अपना डिजायर्ड जीन जोड़ा हुआ है, उस डीएनए को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? जो वायरल डीएनए जमीनी वायरस का डीएनए जिसके साथ में अपने पहले से ही अपना डिजायर्ड जीन जोड़ दिया है, उस डीएनए को यहाँ पर जोड़ दिया। अब इस टीआई प्लाज्मिड को वापिस इसकी होस्ट सेल यानी एग्रोबैक्टीरियम की सेल्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब इस एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया जो है ये एग्रोबैक्टीरियम इसके साथ में जिस प्लांट सेल में अपन को इस वायरल डीएनए के साथ में जो जुड़ा हुआ डीएनए इंसर्ट करना है, यानी टारगेट प्लांट सेल जो है, उस टारगेट प्लांट सेल और उस एग्रोबैक्टीरियम का साथ साथ में को कल्चर करते हैं, साथ साथ में कल्चर करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये अपना ये टी डीएनए वाली जगह पर जो डीएनए था उसको प्लांट सेल के डीएनए के साथ में जोड़ देगा, यानी इसमें ट्रांसफर कर देगा, हो गया काम। ये वायरस इंसेक्ट के थ्रू प्लांट में जाना था, अपन ने एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एग्रो इन्फेक्शन। यानी इन्फेक्शन करवाया है अपने प्लांट सेल में, मगर किसका इन्फेक्शन, जेमिनी वायरस जो है उसका इन्फेक्शन प्लांट सेल में करवाया है, मगर किसके थ्रू कराया है, एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू कराया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एग्रो इन्फेक्शन। क्लियर? ये एक अलग से छोटा टॉपिक और दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आप। इसके बाद में जीन ट्रांसफर वाला कंप्लीट चीजें अपन ने अब अपने कंप्लीट हो चुकी है। अब जीन ट्रांसफर कैसे होता है सब चीजें अपने देख ली। अब साइंटिस्टों ने ऐसे कौन कौन से प्लांट्स अभी तक तैयार कर लिए हैं जिनमें सक्सेसफुली जीन ट्रांसफर हो चुका है, यानी ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार किए जा चुके हैं। डाइकोट प्लांट भी होते हैं, मोनोकोट प्लांट भी होते हैं, तो ऐसे कौन कौन से डाइकोट ट्रांसजेनिक प्लांट है और ऐसे कौन कौन से मोनोकोट ट्रांसजेनिक प्लांट है जो सक्सेसफुली अब तक तैयार हो चुके हैं,
तो उनके कुछ नेम दिए हुए हैं डाइकोट ट्रांसजेनिक प्लांट्स के भी और मोनोकोट ट्रांसजेनिक प्लांट्स के भी, उनके कुछ एग्जांपल्स अपने सिलेबस में दिए हुए हैं। तो सबसे अपन पहले अपन करते हैं डाइकोट ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक का मीनिंग तो आप जानते ही हो, ऐसे प्लांट जिनमें किसी फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दिया गया है, किसी दूसरे डीएनए या जीन्स को इंसर्ट कर दिया गया हो, वो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं। तो डाइकोट ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन कौन से हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स अपने बुक के अंदर अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, तो वो एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे टोबेको, टोबेको का ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार किया जा चुका है। इसके अलावा पिटूनिया, पिटूनिया का भी ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार है। इसके अलावा टोमेटो है, लाइकोपर्सिकम टोमेटो। इसके अलावा सोलेनम ट्यूबरोसम आलू है, पोटेटो, पोटेटो जो है उसका ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार है। इसके अलावा ब्रिंजल है, बैंगन जो है ब्रिंजल का ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार है। इसके अलावा हेलियंथस है, जो सूरजमुखी होती है, हेलियंथस उसका ट्रांसजेनिक प्लांट जनरेट है। इसके अलावा अपन बात करें ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका ब्रेसिका नेपस, ये तोरिया का बोटनिकल नेम है, तोरिया जो होती है उसका बोटनिकल नेम है ब्रेसिका नेपस। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया की वेरियस स्पीसीज, गोभी जो होती है ब्रेसिका ओलेरे, गोभी का बोटनिकल नेम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, उसकी जितनी भी स्पीसीज है वो सब ट्रांसजेनिक प्लांट के रूप में तैयार हो चुकी है। इसके अलावा गोसिपियम, गोसिपियम, गोसिपियम बोटनिकल नेम है कपास का, गोसिपियम की वेरियस स्पीसीज ट्रांसजेनिक प्लांट्स के रूप में तैयार हो चुकी है। इसके अलावा ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन, सोयाबीन जो होती है उसका बोटनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स, उसका ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार है। इसके अलावा डेक्कस कैरोटा, डेक्कस कैरोटा गाजर जो है उसका ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार किया जा चुका है। तो ये कुछ डाइकोट ट्रांसजेनिक प्लांट्स के एग्जांपल अपने सिलेबस में दिए हुए हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं ऐसे कौन कौन से मोनोकोट प्लांट हैं जिनके ट्रांसजेनिक प्लांट अभी तक तैयार हो चुके हैं, तो उनके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन कौन कौन से हैं मोनोकोट ट्रांसजेनिक प्लांट्स के। कुछ एग्जांपल्स दिए जा चुके हैं, वो है एग्जांपल्स हैं मोनोकोट के अपने ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा किसका बोटनिकल नेम है चावल जो है उसका बोटनिकल नेम है। इसके अलावा दूसरा अपन बात करते हैं सिकेल सीरेल, सिकेल सीरेल राई जो है उसका बोटनिकल नेम है। इसके अलावा बात करते हैं अपन ट्रिटिकम एस्टिवम, ये तो सभी को पता ही है ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ जो है उसका बोटनिकल नेम है, उसका ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार है। इसके अलावा बात करते हैं जियामेज, जियामेज, जियामेज यानी मक्का जो है उसका ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार है। इसके बाद में एवीना सटाइवा, एवीना सटाइवा, एवीना सटाइवा जो है वो जई जो है उसका बोटनिकल नेम है, उसके ट्रांसजेनिक प्लांट अभी तक तैयार किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स अपने सिलेबस में दिए हुए हैं जिनके ट्रांसजेनिक प्लांट मोनोकोट और डाइकोट दोनों के जो ट्रांसजेनिक प्लांट के रूप में अब तक साइंटिस्टों ने बना लिए हैं, जनरेट कर लिए हैं। ये अपना टॉपिक पूरा होता है प्लांट बायोटेक में ट्रांसजेनिक प्लांट्स का। अब दो चार लाइनें अपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में भी दी हुई है, हालांकि अपन इस यूनिट के अंदर प्लांट बायोटेक को पढ़ रहे हैं, प्लांट बायोटेक यानी प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करके ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनाए गए हैं, मगर दो तीन लाइनें ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में दी हुई है। जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट अभी तक तैयार किए जा चुके हैं, वैसे साइंटिस्टों ने ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी तैयार किए लिए हैं, एनिमल्स के अंदर भी जीन ट्रांसफर करके और कोई डिजायर्ड कैरेक्टर डेवलप कर लिया गया। ये नॉर्मल एनिमल में ये कैरेक्टर नहीं था, मगर उनका ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया ना उसके अंदर बहुत ही बेटर कैरेक्टर्स ला दिए हैं जीन ट्रांसफर करके। ठीक है, ऐसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के बारे में भी आपने सुना है, टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसे कपल्स जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, फीमेल्स की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो उनमें क्या किया जाता है, फादर से स्पर्म और मदर से ओवम को बाहर लिया जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवा करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाहर कर दिया जाता है, फिर उस एम्ब्रियो को मदर की यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करके फिर चाइल्ड का डेवलपमेंट किया जाता है। तो ऐसे चाइल्ड जो होते हैं उनको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, ये भी साइंटिस्टों ने बायोटेक के अंदर अभी तक रिसर्च कर लिया है।
ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बेटर वेराइटी के एनिमल्स बनाने के लिए जीन ट्रांसफर करके बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स अब तक साइंटिस्टों ने तैयार कर लिए हैं। ठीक है, ये कुछ दो चार लाइनें अपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स की ओर दी हुई थी। अब अपना कंप्लीटली ये टॉपिक पूरा होता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में दो तीन लाइनें होंगी। अगले वीडियो में अपन सीडीएनए लाइब्रेरी को लेकर के एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।